सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि ग्रेटर नोएडा की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में अभी आ रही है। यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाने के लिए मुझे काफी सारी रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि इससे पहले मैंने गलगोटिया वर्सेस जेल बजाज के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो वहां से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा कि भैया गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऊपर भी वीडियो बनाई। हो सकता था मेरी तरफ से मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एस्टैब्लिश्ड ईयर की बात कर लें, तो ये यूनिवर्सिटी 2011 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। एंड अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, तो ये ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, जो कि दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। एंड अगर हम इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, तो ये आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलेगी। एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी को नैक ए प्लस मिला हुआ है, तो इसकी वजह से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जो स्टूडेंट आना चाहते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंपस एरिया की बात करें, तो इसमें आपको 52 एकड़ में टोटल कैंपस देखने को मिलेगा। कैंपस बहुत अच्छा है और हर तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल कैंपस मुझे काफी अच्छा लगा है। एंड अगर इसके कोर्सेज की बात कर लें, तो इसमें लगभग सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, चाहे वो यूजी कोर्सेज हो चाहे वो पीजी कोर्सेज हो। आगे हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एडमिशन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि इसमें एडमिशन होते कैसे हैं। इसमें 3 मोड में एडमिशन ले सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप जेई के थ्रू आना चाहते हो, तो आप जेई के थ्रू भी आ सकते हो। एंड अगर आप 12th के बेस पे आना चाहते हो, तो 10th + 12th के जो एग्जाम होता है उसके बेस पे भी इसमें एडमिशन ले सकते हो। एंड सीयूटी के थ्रू इसमें आ सकते हो, क्योंकि अभी पिछले साल इसमें इतने सारे बच्चे ने अप्लाई कर दिया था कि इनकी वेबसाइट ही क्रैश हो गई थी। इसमें मैं आप 10th + 12th में भी आपको बता देता हूँ कि 60% आपको 12th में होना चाहिए पीसीएम में, तो आपका इसमें आराम से 12th के बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। नाउ अब हम आगे देखते हैं और कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन सा कोर्सेज ऑफर करता है। तो इसमें जो है बीटेक, वो ज्यादातर लोग बीटेक के लिए मुझे जो कॉल करते हैं वो बीटेक के लिए ही करते हैं। तो बीटेक की अगर हम इसमें फीस की बात कर ले, तो इसमें 10 से लेकर 12 लाख के बीच में इसमें फीस आपकी टोटल हो जाएगी। उसके बाद एमबीए में भी आप एडमिशन ले सकते हो, इसमें बीबीए में भी एडमिशन ले सकते हो, बीसीए में भी एडमिशन ले सकते हो। एंड और भी बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं रिलेटेड पीजी। अब हम आगे देखते हैं, अगर हम कैंपस फैसिलिटीज की बात कर ले, तो कैंपस ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको बताया काफी अच्छा कैंपस है। तो अगर उसको थोड़ी सी डिटेल में हम जाने, तो यहाँ पे आपको फूड कोर्ट भी मिल जाएगा, मतलब आपको कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ पे जाके आराम से खा पी सकते हो। सैलून आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आपको सेविंग वगैरह करानी है तो आप यहाँ से करवा सकते हो। मतलब अगर आप कैंपस में चाय कॉफी पीना चाहते हो, तो बहुत आसानी से यहाँ पे पी सकते हो। उसके बाद एयर कंडीशन लाइब्रेरी भी आपको मिल जाएगी, आप आराम से जाओगे उसमें, आराम से पढ़ सकते हो, गर्मी वगैरह का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में काफी गर्मी पड़ती है गर्मी के सीजन में, तो इस वजह से एयर कंडीशन जो लाइब्रेरी है बहुत ही कम कॉलेजेस में है ग्रेटर नोएडा में। एंड अगर हम इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें, तो आपको कैंपस में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। अगर हम एनटीयू की बात करें, तो ये सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आती है एशिया में। अगर हम ये कहें कि इसको रैंक 1 मिली हुई है पूरे एशिया में, तो ये भी गलत नहीं होगा। एंड इसके साथ गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कोलोबोरेशन से हमें ये बेनिफिट होगा कि हमें वहाँ के प्रोफेसर के अंडर में पढ़ने का मौका मिलेगा, लेक्चर्स लेने का मौका मिलेगा, एंड उनके अंडर में हम प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। ओवरऑल मतलब ये कहने का है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, नेपाल, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ इनका कोलोबोरेशन है। एनटीयू सिंगापुर के साथ साथ आपको इन कंट्रीज के भी प्रोफेसर के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। एंड अब हम आगे देखते हैं, अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें, तो काफी प्रेस्टिजियस से इसको रैंकिंग मिली हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख रहे हो कि बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मिली हुई है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में टॉप 3 की रैंकिंग इसको मिली हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि IIRF के थ्रू इसको 5th रैंकिंग मिली हुई है। तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी काफी फेमस है और इस यूनिवर्सिटी को आप जरूर किसी ना किसी के थ्रू सुने होंगे। उसके बाद अगर हम लैब्स की बात कर लें, तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज मेरी नजर में है। बहुत सारे कॉलेजेस ये चीजें प्रोवाइड नहीं करते, जैसा कि सिस्को लैब की अगर हम बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट लैब की बात कर लें, ओरेकल की बात कर लें, गूगल की बात कर लें, तो ये सारी लैब्स अभी ग्रेटर नोएडा में सारे कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है। मुझे लग रहा है बस 1 या 2 यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में ये सारे लैब अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे जाके आप पढ़ाई जब करोगे, तो आपको अलग बेनिफिट्स मिलेंगे अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट से, आपको ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। तो उस वजह से मेरी नजर में ये काफी अच्छी चीज यहाँ की है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए लगभग हर टाइप की आपको लैब यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम प्लेसमेंट की बात कर लें, तो प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर हम जॉब्स ऑफर की बात कर लें, तो 8,500 से यहाँ पे आपको जॉब ऑफर की गई है। एंड उसके बाद अगर हम कंपनीज की बात कर लें, तो 850 से ज्यादा यहाँ पे कंपनीज आई हुई है। एंड हाईएस्ट पैकेज की बात कर लें, तो 1.5 सीआर का कॉलेज क्लेम करता है। एवरेज प्लेसमेंट जो है वो कॉलेज 5,25,000 रुपए क्लेम करता है, क्योंकि 82
90% जो बच्चे होते हैं उनका लगभग एवरेज प्लेसमेंट ही लगता है। अगर आपका प्लेसमेंट 5 से 6 लाख के बीच में लग जाता है तो ये बेस्ट प्लेसमेंट माना जाता है। उसके बाद अगर हम मल्टीपल ऑफर की बात कर लें कि मतलब एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा ऑफर लेटर ऑफर किया गया तो वो 32% स्टूडेंट है। बाकी आप यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स को देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सारी कंपनीज कॉलेज में विजिट करती हैं। एंड उसके बाद अगर हम कॉर्पोरेट स्किल की बात कर लें कौन कौन से कंपनीज से ये टाइप किया हुआ है, तो यहाँ पे आप ये सारी कंपनीज से यहाँ पे कॉलेज जो है वो टाइप किया हुआ है। अगर एमओयू की बात करें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आप जब कॉलेज में पढ़ते हो तो चीज़ें समझ में उतनी नहीं आती। एक्चुअली जब आप कंपनी में जाके काम करते हो, इंटर्नशिप करते हो, तब आपको एक्चुअल समझ में आता है कि जो पढ़ाई हम कर रहे हैं और जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उसमें क्या रिलेशन है। तो इस वजह से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होगे, यहाँ सारी जितनी भी कंपनीज है इसमें आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। अगर हम टॉप रिक्रूटर्स की बात करें कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है, तो यहाँ पे आप देख रहे ये सारी कंपनी यहां पे विजिट करती हैं, जैसे विप्रो हो गया, टाटा हो गया, असेंचर हो गया, ऐसे आईबीएम हो गया, इंफोसिस हो गया, ऐसे ये सारी कंपनीज। मैं कुछ कंपनीज को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, और भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो विजिट करती हैं। तो लगभग ये सारी टॉप जो कंपनीज हैं ये सारी करती हैं। उसके बाद अगर हम गलगोटिया के फेस्ट के बारे में बात करें या फिर फ्रेशर पार्टीज के बारे में बात करें, इसमें लगभग सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो सिंगर हो। जैसे कि मैंने इसमें लगाया भी हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हो, जावेद अली हो गए, शिल्पा शेट्टी हो गई, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो गए, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स और एक्टर इसमें आते रहते हैं मूवी प्रमोशंस के लिए, वेब सीरीज के लिए, और फ्रेशर पार्टीज पे भी कॉलेज भी इनको बुलाता है। तो लगभग काफी अच्छा यहाँ का फेस्ट होता है और फ्रेशर पार्टीज भी होती हैं। ग्रेटर नोएडा में फ्रेशर पार्टीज के लिए गलगोटिया कॉलेज और यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद अगर हम हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें, तो हॉस्टल फैसिलिटीज जो भी नीड होती है बेसिक, वो सारी चीजें आपको इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। जैसा कि आपको एसी रूम हो गया या फिर नॉन एसी रूम हो गया, इंफ्रा काफी अच्छा इसका है हॉस्टल का। उसके बाद इंटरनेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिम इसमें प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एसी डाइनिंग आपको दी जाती है। अगर आप साउथ के हो तो भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ के दोनों खाने इंक्लूड होते हैं। तो आप जैसा भी खाना खाना चाहते हो आप इसमें आराम से खा सकते हो। उसके बाद अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें कि अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, रात में किसी भी स्टूडेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह अवेलेबल होती है। उसके बाद स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे सीसीटीवी वगैरह, बायोमेट्रिक वगैरह सारी चीजें होती हैं। तो काफी ज्यादा लड़कियों के लिए भी काफी सेफ्टी होता है और बॉयज के लिए तो होता ही है। एंड अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, तो कनेक्टिविटी जैसे अगर आप दिल्ली आते हो फ्लाइट से, तो फ्लाइट से जब आप यहाँ पे उतरते हो दिल्ली में, तो उसके बाद आप मेट्रो ले सकते हो, मेट्रो लेके आप ग्रेटर नोएडा आ सकते हो। ग्रेटर नोएडा परी चौक पे नॉलेज पार्क स्टेशन का नाम है, तो आप वहां पे आ सकते हो। उसके बाद आप ऑटो ले सकते हो या फिर बस ले सकते हो। एंड अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, तो एयरपोर्ट आपको 90 किलोमीटर देखने को मिलेगा कॉलेज से। एंड मेट्रो की बात करें, तो मेट्रो आपको 10 किलोमीटर के रेंज में छोड़ देगी, तो वहां से फिर आप ऑटो करके कॉलेज जा सकते हो। तो ये रही गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल, मैंने अपने तरफ से सारी चीजें बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई भी चीज पूछना हो या फिर कोई भी चीज ऐसा आपको लग रहा हो कि छूट गई हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कॉलेज की वेबसाइट पे भी आप जाके वहां पे इंक्वायरी कर सकते हो। वहां पे टोल फ्री नंबर होता है, वहां पे जाके आप वहां के काउंसलर से बात कर सकते हो, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।